अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बोडुप्पल में सर्वे नंबर 181, ये एक सरकारी ज़मीन को कलेक्टर तकरीबन 10-11 साल पहले अलाटमेंट करे थे। ये अलाट करने के बाद यहाँ पर तदफीन भी हो रही थी, कोरोना के भी पेशेंट्स को यहाँ तदफीन किए थे, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले गुज़िश्ता तकरीबन 12 दिन पहले ये कब्रिस्तान को यानी पूरा साफ करके ये हालत कर दिए थे। लेकिन अल्लाह के फजल से हमारे यहाँ के मुकामी जो जिम्मेदार है ताजुद्दीन साहब और उनके तमाम टीम अल्हम्दुलिल्लाह मिलके इस ये जो इलीगल जो वर्क हुआ इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले की जानिब से उसको रोके, कलेक्टर को गए, मंडल को गए, वक्फ बोर्ड को गए, साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमसे भी बात हुई, हम भी वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी करे। अजीज़ पाशा साहब एमपी भी, एक्स एमपी भी यहाँ पर आए थे और अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह मुकामी हजरात की कि इन्होंने बड़ी मुस्तैदी के साथ और इस्तेखामत के साथ इस कब्रिस्तान को बचाए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हर जगह ऐसे लोगों को जमा करे जो कब्रिस्तानों की वक्फ प्रॉपर्टियों की हिफाजत के लिए मुत्तहिदा होकर काम करें। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये गेट भी लगा दिए अल्लाह के करम से कब्रिस्तान की, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह यहाँ पर तदफीन के लिए, चूंकि अपार्टमेंट्स में जहाँ जहाँ अपार्टमेंट्स है वहाँ पर गुसल के लिए बड़ा मसला है, तो ताजुद्दीन साहब और उनके साथियाँ गुसल खाने के लिए भी यहाँ पर इंशाल्लाह इन लोगों का प्रोग्राम है। अल्लाह ताला इसमें कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।